हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी फ्रीक्वेंसी टेबल में हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हमें हाइट दी गई है सेंटीमीटर में, साथ में फ्रीक्वेंसी दी गई है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, सबसे पहले फर्स्ट क्लास जो हमें दी गई है क्लास इंटरवल में, उसकी फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि 12। अब 12 के बाद जो नेक्स्ट क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम ये वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे, 12 + 14, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 26। फिर 26 में आप ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो कि है 8, यानी 26 + 8 और ये हो जाता है 34 में फिर आप नेक्स्ट ऐड करेंगे 6, यानी ये हो गया 40 + 10, ये हो जाता है 50। और इस तरीके से आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल जाएगा जो कि है 50। इसके बाद हम फाइंड करते हैं n/2, n यहाँ पर है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, n/2 मिलता है हमें 25। इसके बाद हम देखेंगे मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो n/2 की वैल्यू आई है 25, चेक करेंगे ये कहाँ पर है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 कहाँ आ रहा है, 25 नहीं आ रहा, तो 25 या नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 26। तो 26 जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये वाला जो क्लास इंटरवल है ये हमारा हो जाता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा है 120 to 140। इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे मीडियन का, l + n/2 - cf / f × h। n/2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है 25, और cf होता है यहाँ पर जो हमारी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो आई है उससे पहले वाली जो क्लास है, यानी कि 12, ये हमारी हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 12 यहाँ से पुट करेंगे cf के प्लेस पर, और f होती है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी 14, तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे 14। अब बस इसको सिंपली कैलकुलेट करना होता है। l यहाँ पर, l क्या है, l है यहाँ पर मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो कि है 120। तो इस तरीके से वैल्यू आप पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ से मीडियन मिल जाता है।